आपको मेरी आवाज नहीं आई कुछ भी जो मैंने बोला इतनी देर से? नो सर। चलो, सो बेटा टॉपिक है शॉर्ट रन कॉस्ट का। शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर सबसे पहली कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिर शॉर्ट में टीएफसी। हमें पता है कि कॉस्ट जो होती है गुड एक्स की, वो डिपेंड करती है कि आप उसका कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। दस जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसा नाम से पता चल रहा है, देखो ये कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, दैट मींस ये चेंज नहीं करती विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट चेंज करे बट ये वाली कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। कोई एग्जाम्पल हो सकता है इसका आप लोगों के हिसाब से? अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, मेरे लिए फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होगी जो चेंज ना करे, चाहे मेरे पास एक स्टूडेंट आए या 10 स्टूडेंट आए या 100 स्टूडेंट आए या 1000 आए, बट वो वाली कॉस्ट मेरी फिक्स रहे। तो लैंड होगा फिक्स, रेंट कह सकते हो, हम यहां पे इसे लिखेंगे रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। इमेजिन आप जो हो एक प्रोडक्शन यूनिट हो, एक फर्म हो बेटा, आप एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करो, जैसे भी ये कोरोना टाइम पे भी हुआ था, तो अगर आप प्रोडक्शन की एक्टिविटी में एंगेज नहीं थे तब भी आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट तो गया होगा। यस सर। तो आप आउटपुट चाहे एक यूनिट बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, आपका रेंट जो होता है वो फिक्स रहता है। इसके अलावा और कोई हो सकता है जो फिक्स हो, देना ही देना हो, चाहे आप कितना भी आउटपुट बनाओ? सोचो, आशना ट्राई करें। कोई और ट्राई करना चाहता है? कोई एक और एग्जांपल जो कि फिक्स्ड कॉस्ट का हो, बहुत कॉमन है बेटा, आप अपने आसपास भी देखोगे आपको दिख जाएंगे। मानी जाएंगी क्या चीज? सर वेजेस। वेजेस नहीं कहेंगे बेटा हमने, सर मेरे डैड ने दी सैलरी। सैलरीज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज कह दो आप। एटसेट्रा। अब जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे आपका एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना हो, आपको उनको सैलरी तो पकड़ानी ही पड़ती है, जैसे मैंने भी दिया अभी कोरोना टाइम पे। हमारे इंस्टीट्यूट पे चाहे उनसे कोई टीचर, उन टीचर से कोई बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, मेरे को उनको अगर अपने पास रखना है भाई, मुझे उन्हें सैलरी देनी ही पड़ेगी। तो ये एक तरीके की हमारी क्या हो जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट। आप में से किसी के घर पे लैंडलाइन लगा हुआ है, एयरटेल का या एमटीएनएल का, कोई भी लगाओ? यस सर, एमटीएनएल का। तो अगर आप बेटा उससे एक भी कॉल ना करो तब भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ उसका जो है आता ही होगा, चार्जेस जो है 500 रुपए, 800 रुपए, 1000। सर हमारा तो खराब हो गया था, हमने उसके बाद भी 2-3 महीने भरा। हाँ, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है, मतलब आप चाहे एक कॉल करो, 10 करो, 50 करो, 80 करो, बट आपका जो मिनिमम अमाउंट आना ही आना है, दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। किसी को कोई डाउट फिक्स्ड कॉस्ट को समझने में बेटा? नो सर। नो सर। ठीक है। This cost is also known as overhead cost, supplementary cost, क्या इस cost को हम avoid कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट। और एक और नाम इसका इंपॉर्टेंट है, वो है संक कॉस्ट। संक का मतलब होता है बेटा डूब जाना।
तो इमेजिन अभी जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने किसी से रेंट पे जगह ले ली, सपोज इंस्टीट्यूट खोलने के लिए मैंने रेंट पे जगह ले ली, रेंट है मेरा 30,000 पर मंथ और फिक्स्ड रेंट है एटलीस्ट 1 साल के लिए। अब उस जगह पे मेरा इंस्टीट्यूट नहीं चला, मेरे पास किन के दो स्टूडेंट आते थे, थोड़े टाइम बाद वो भी छोड़ के चले गए, तो जो 30,000 इंटू 12 महीने का जो अमाउंट है, यानी कितना हो गया 3,60,000, क्या ये अमाउंट मेरा रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सर हो जाएगा बट टाइम लगेगा। काफी टाइम निकल गए, 5-6 महीने निकल गए, 7-8 महीने निकल गए, मेरे पास कोई स्टूडेंट आ ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं, मेरा ये पैसा जो अभी तक लग गया है वो रिकवर हो गया या डूब गया मेरा पैसा, जितना अभी तक गया सारा का सारा? फिर वहां पे तो डूब भी जाएगा। तो संक कॉस्ट कहते हैं सर। ठीक है, एग्जाम में कई बार इनके जो है ये ऑल्सो नोन एज टर्म से आपसे पूछा जा सकता है कि आप इनको डिफाइन कर दो। अब बात आती है इसका ग्राफ कैसा होगा। हर तरीके की कॉस्ट का एक अपना ग्राफ है बेटा, और इस चैप्टर में बहुत सारे ग्राफ्स हैं, तो सारे के सारे ग्राफ्स अच्छे से समझने हैं और उन्हें अपने दिमाग में फिक्स रखना है। सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन माइंड में आता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, उनमें से कौन सी चीज ओ एक्स एक्सिस पे आनी चाहिए और कौन सी चीज ओ वाई एक्सिस पे आनी चाहिए? टीएफसी को मैं एक्स एक्सिस पे दिखाऊं या वाई पे दिखाऊं? सिमिलरली जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है वो एक्स पे आए या वाई पे आए? बताओ राघव जी। हाँ जी सर, टीएफसी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसे कहाँ दिखाऊं बेटा, ओ वाई एक्सिस पे या ओ एक्स एक्सिस पे, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस को कहाँ पे दिखाऊं, ओ वाई पे या ओ एक्स पे? दो वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे, एक है कॉस्ट और एक है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कौन से तो वेरिएबल को? यूनिट्स ओएक्स पे और सही, प्राइस ओवाई पे। प्राइस नहीं है, कॉस्ट है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो है वो आ जाएंगे ओ एक्स पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आ जाएगा ओ एक्स एक्सिस पे। हमने पढ़ा है बेटा कॉस्ट जो होता है गुड एक्स का वो डिपेंडेंट होता है यूनिट्स ऑफ गुड एक्स पे। कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। दस फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आ जाएगी हमारी ओ वाई एक्सिस पे, वेयर एज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो आ जाएंगे ओ एक्स एक्सिस पे। अब आती है इंटरेस्टिंग बात, अगर मैंने एक भी यूनिट बनाना स्टार्ट नहीं किया, क्या मैंने कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट लगाई होगी या नहीं लगाई होगी? सर लगाई होगी। जैसे सपोज मेरे इंस्टीट्यूट पे आज के टाइम पे एक भी स्टूडेंट नहीं आ रहा, पर मेरा रेंट तो जा ही रहा है उसका, तो सपोज मैं लेट कर रहा हूं, 100 है, ठीक है, आपको 100 लिखने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा आएगा तो भी मेरे को इतना ही अमाउंट देना है, दो आएंगे तो भी इतना ही है, तीन आएंगे तो भी इतना ही है, 10 आएंगे तो भी इतना ही है। इन्हें जब आप ज्वाइन करोगे ये आपके पास आ जाएगा टी एफ सी का ग्राफ विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये चीज अपने पास लिख भी लेना दैट टी एफ सी एग्जिस्ट इवन एट जीरो लेवल आउटपुट, मतलब अगर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो भी आप अपनी फैक्ट्री का रेंट दोगे ही दोगे, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी आपको जो परमानेंट एम्प्लॉयज है उनको देनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। किसी को कोई डाउट बेटा यहां तक समझने में? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब आती है दूसरी तरह की कॉस्ट जिसका नाम है
वेरिएबल कॉस्ट या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल टर्म का मीनिंग बेटा हमें पता है, वेरिएबल जो होता है वो बनता है वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब होता है चेंज। सो वेरिएबल कॉस्ट होती है इज द कॉस्ट विच चेंजेस डायरेक्टली विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा ये वाली कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, वेजेस टू लेबर्स एटसेट्रा। अब बात आती है बेटा अगर आपने प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं किया क्या आप लेबर को वेजेस दोगे या नहीं दोगे उस केस में? नहीं देंगे। नो सर। सो पीवीसी जो है वो जीरो होती है एट जीरो लेवल आउटपुट। मतलब जब आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं करते आपका प्रोडक्शन जीरो हो तो ये वाली कॉस्ट जो है वो भी जीरो ही रहेगी। This cost is also known as prime cost या फिर avoidable cost etc. अब बात आती है इसके ग्राफ की। अगेन जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो आ जाएगी ओ वाई एक्सिस पे और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आएंगे ओ एक्स एक्सिस पे। इसका ग्राफ कैसे होता है? सबसे पहले अगर आपने प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं किया तो टीवीसी कितनी होगी उस केस में? जीरो। जीरो। इसके बाद बेटा इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरीके की होती है। इसे हम कहते हैं इनवर्स एस शेप्ड। जो टीवीसी है वो इनवर्स एस शेप के अंदर होता है। सिंप्लिसिटी के लिए आप लोग ऐसा भी मान सकते हो कि टीवीसी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। बट रियल वर्ल्ड के अंदर कॉस्ट कभी सिंपल नहीं रहती, उसका एक चेंज करने का तरीका होता है। वो तरीका क्या है वो हम आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे कि ऐसी ही शेप क्यों होती है। बट फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि टीवीसी की जो शेप है वो इनवर्स एस शेप होती है। ये ग्राफ भी ठीक है बट ये सिर्फ तब है जब आपकी कॉस्ट हमेशा फिक्स रहे। मतलब एक यूनिट के 5 रुपए हैं तो 2 के 10 रहे, 3 के 15 रहे, लीनियर उस पे चले। बट रियल वर्ल्ड में कॉस्ट कभी भी ऐसे फिक्स्ड अमाउंट से नहीं बढ़ती, वो चेंज होती रहती है। 50 की हो सकती है, कुछ कम हो एज कम्पेयर टू 2 की। तो इसलिए टीवीसी की शेप जो है वो इनवर्स एस शेप रखी गई है। आज के लिए सिर्फ इतना ही है बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर इतना अच्छे से रिवाइज करके सपने आना। मेरी तरफ से आज के लिए छुट्टी।